A very warm welcome to all of you. आज वैदमी के इस नए वीडियो में हम देखेंगे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए. तो यहाँ जो भी हम क्रिस्पर के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक कॉन्वर्जेशंस के थ्रू और एक केस स्टडी को लेके पढ़ना शुरू करेंगे. तो केस स्टडी ऐसा है कि एक बच्ची है मोना नाम की, और मोना जो है वो बहुत इंटेलिजेंट और क्यूरियस लड़की है. बट यूजुअली क्या होता है कि वो कहीं भी बैठी उठ रही होती है, घूम रही होती है, जैसे भी, तो उसको हमेशा थकान फील होती है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होती है, और उसे लगातार जो है पेन होता रहता है बॉडी में, हमेशा उसके दर्द बना रहता है. और जब ऐसा उसने बहुत बार अपने पेरेंट्स से कंप्लेन किया कि मुझे ऐसा फील होता है, तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि भाई एक दो बार तो समझ में आता है, ये कॉन्टिन्यूस ऐसा क्यों हो रहा है. तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसे ले गए डॉक्टर के पास. तो जब वो हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर से कॉन्टेक्ट किया, तो एक डॉक्टर थे डॉक्टर शान, वो काफ़ी स्किल्ड डॉक्टर थे, और उन्होंने उसका केस हैंडल किया. और काफ़ी सारे डायग्नोसिस टेस्ट वगैरह कराने के बाद डॉक्टर शान को पता चला कि मोना जो है उसे सिकल सेल एनेमिया है, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. तो मोना का जो है ये पता चल गया कि डायग्नोसिस जो है वो सिकल सेल एनीमिया जो है उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है. तो सिकल सेल एनीमिया की वजह से ये सब हो रहा था. तो अब पेरेंट्स को तो पता नहीं था कि ये है क्या, सिकल सेल एनीमिया क्या है. मोना को भी नहीं पता था ये है क्या, क्यों होता है. तो डॉक्टर ने उन्हें खुद समझाने की कोशिश की तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ समझाने की कोशिश की और बताया कि मोना को जो डिजीज है, जो डिसऑर्डर है, वो है सिकल सेल एनीमिया. इसमें क्या होता है कि यूजुअली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड होता है वो होता है सर्कुलर स्फेरिकल शेप का, ओवल, थोड़ा चिपटा हुआ होता है, जबकि मोना का जो आरबीसी है, मोना का आरबीसी सिकल शेप का है. सिकल शेप मतलब हसिया, हसिया देखा होगा काटने के लिए, घास काटने के लिए यूज करते हैं, वो ऐसा मून शेप का होता है, तो वैसा है. तो इसको बोलते हैं हम सिकल सेल एनीमिया. क्यों होता है ये, तो डॉक्टर ने बताया उन मोना के पेरेंट्स को कि ये होता है HBB जीन में म्यूटेशन की वजह से. HBB जीन जो है वो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वो मेंटेन करने में हेल्प करता है, वो बनाता है, लीड करता है. अगर इस HBB जीन में कहीं कोई म्यूटेशन होता है तो उसके वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि RBC को इस तरह का सिकल शेप देता है. तो उन्होंने डिटेल में समझाते हुए मोना को बताया कि कैसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो HBB जीन होता है उसमें क्या सीक्वेंस होता है, और म्यूटेटेड DNA में क्या सीक्वेंस होता है. तो उन्होंने बताते बताते उसे बताया कि अगर जो नॉर्म ये सिकल सेल एनीमिया होता है, नॉर्मल जो है उसमें हीमोग्लोबिन जो है बीटा ग्लोबुलिन चेन होता है, उसमें बीटा ग्लोबुलिन चेन के छठे पोजीशन पे कौन सा एमाइनो एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है. नॉर्मल कंडीशन में ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन जो मोना का केस है, मोना के केस में ये ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो गया है वैलिन एमाइनो एसिड से. तो ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस होके क्या आ गया है, उस जगह पे वैलिन आ गया है. तो यानी म्यूटेशन कहाँ हुआ होगा, ग्लूटामिक एसिड को कोड करने वाले जीन में. तो यूजुअली जो सीक्वेंस है, यूजुअली उस सीक्वेंस में क्या है, थ्रियोनिन प्रोलिन, और उसके बाद सिक्स पोजीशन पे बीटा ग्लोबुलिन चेन के सिक्स पोजीशन पे है ग्लूटामिक एसिड. इस ग्लूटामिक एसिड का जो कोड है mRNA पे वो है GAG, जिसको कोड करने वाला DNA क्या है, CTC. अब अगर इस DNA में कोई म्यूटेशन हो जाए, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि T में म्यूटेशन हो गया और T की जगह यहाँ पे DNA में A आ गया है, तो नॉर्मली ये ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ये mRNA बनाएगा GAG करके. तो GAG कोडॉन के लिए जो है वो ग्लूटामिक एसिड बनेगा, जबकि यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे जो mRNA ट्रांसक्राइब होके बन रहा है CAC के कॉम्प्लीमेंट्री GUG आ रहा है, और GUG कोड कर रहा है वैलिन को, तो वैलिन आ जा रहा है। आना क्या चाहिए था? ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए, आ क्या रहा है? वैलिन आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, यूजुअल केस में अगर ग्लूटामिक एसिड है 6 पोजीशन पे तो RBC नॉर्मल होती है, लेकिन जब ये ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाती है वैलिन से तो ये ले लेता है सिकल शेप। तो इस वजह से ये जो है मोना को इतने सारे डिस्कम्फर्ट हो रहे थे, टाइर्डनेस हो रही थी, पेन हो रहा था, बॉडी पेन। तो ये डॉक्टर ने मोना को समझाया, तो डॉक्टर मोना को भी ये चीज़ समझ में आ गई, उसके पेरेंट्स को भी समझ में आ गई कि आखिर में माजरा क्या है। फिर उन्होंने सोचा कि भाई इसका कोई इलाज है या नहीं, या ये ठीक हो सकता है या नहीं। तो डॉक्टर शान ने उन्हें समझाया कि ये ठीक हो सकता है, काफ़ी चांसेस हैं इसके ठीक होने से, क्योंकि साइंस जो है लगातार डेवलप हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी लगातार जो है इन्हांस हो रही है, टेक्निक इन्हांस हो रहे हैं। तो मैं आपको एक ऐसे साइंटिस्ट से, ऐसे डॉक्टर से मिलाऊंगा जो इस पर्टिकुलर केस पे काम करते हैं क्रिस्पर कैस 9 के थ्रू। तो बोले कि ठीक है, बढ़िया, हम मिलना चाहते हैं। तो फिर डॉक्टर चान ने उनको डॉक्टर स्मिथ से मिलवाया। तो जब डॉक्टर स्मिथ से मिले वो लोग, तो डॉक्टर स्मिथ ने उन्हें क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी, जिससे वो मोना को ट्रीट करना चाहते हैं, मोना के ऊपर वो स्टडी करना चाहते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है, वो क्या है प्रोसीजर, वो बताया। तो डॉक्टर चांद ने क्या क्या एक्सप्लेन किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैस 9 क्या होता है, क्रिस्पर कैस 9 ये टेक्नोलॉजी क्या होती है। फिर उसके एक एक एलिमेंट्स को समझाया कि कैस 9 क्या होता है, गाइड RNA क्या होता है, ट्रेसर RNA क्या होता है, CRRNA यानी क्रिस्पर RNA क्या होता है, पैम्पसाइट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें उनको समझाई। तो देखते हैं कि डॉक्टर चैन ने उन्हें ये सारी चीज़ें कैसे समझाई। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई हमें कुछ नहीं करना है, जीन में थोड़ी गड़बड़ी है, बिल्कुल वैसी ही गड़बड़ी है जैसे क्या होता है कि आप कभी सिलाई कर रहे होते हो कपड़े की, तो कहीं कहीं गलत सिलाई हो जाती है, गलत जगह हो जाती है, तो आपको क्या करना होता है, जहां सिलाई गलत हुई है वहां से काट के सिलाई को निकाल देना होता है, वही काम हम करेंगे। मोना के जो जीन है वो वहां पे गलत कोड हो गए हैं, गलत कोड हो गए हैं, उन गलत कोड को हम काट के निकाल देंगे और उनकी जगह सही जो राइट सीक्वेंस है, राइट कोड है, उसको इंसर्ट कर देंगे। तो उन बोला ये क्या इतना इजी है, कैसे होगा? तो बोले अश्नत मेरे पास जो है टेक्निक है इसके लिए। बोले क्या टेक्निक है? तो भाई है, बता रहे, हमारे पास एक टेलर है और ये टेलर जो है इसके पास एक अच्छी कैची है, उस कैची का नाम है कैस9। कैस9 एक ऐसी कैची है, एक ऐसा मॉलिकुलर सीजर है जो DNA को उस जगह से काटेगा जहां पे एरर है, मोना के जीन में जहां पे एरर है। फिर उसके बाद है उसका मेंटर, यानी दर्जी तो है ही, दर्जी के पास उसका मेंटर भी है जो जाके बताएगा कि एग्जैक्टली मोना के जीन में गड़बड़ी है कहाँ। तो मेंटर बताएगा गड़बड़ी है कहाँ, और टेलर क्या करेगा, उसको कट करने का काम करेगा। तो दोनों मिलके कंबाइंड टीम वर्क करेंगे, टेलर और मेंटर दोनों मिलके कंबाइंड टीम वर्क करेंगे और करेंगे मोना के बीमारी की छुट्टी। तो देखते हैं कैसे होता है ये। तो सबसे पहले मोना ने जब ये बताया कि भाई मोना को ये बताया गया कि भाई एक मेंटर है और एक टेलर है, और टेलर जो है उसका नाम कैस9 है और जो मेंटर है उसका नाम गाइड RNA है। तो मोना ने कहा गाइड RNA, मेंटर गाइड RNA, ये क्या होता है? बोले कि भाई ये तो एकदम नायाब चीज है, ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम ये समझ लो कि अगर तुम्हें खजाना पता चलता है कि कहीं पे खजाना है, तो खजाना कहाँ है, है मालूम है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में खजाना है, लेकिन उस खजाने को ढूंढने के लिए अगर तुम्हें मैप मिल जाए, रास्ता मिल जाए, तो क्या होगा, इजी हो जाएगी वो चीज ढूंढना, है ना, खजाना ढूंढना इजी हो जाएगा। तो बिल्कुल ये गाइड RNA मैप है जो बताएगा कि कैची कहाँ चलानी है, कैची कहाँ चलानी है। तो गाइड RNA मैप है जो बताता है कैची कहाँ चलानी है। तो उन्होंने साथ साथ में बोला कि चलो मैं तुम्हें गाइड RNA का डिटेल भी देता हूँ कि एक्चुअली ये जो गाइड RNA है, जो मेंटर है, जो बता रहा है, जो मैप बता रहा है कि कैची कहाँ चलानी है, वो है कैसे और कैसे जो है बनती है।
तो उन्होंने बताना शुरू किया कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो गाइड आरएनए बेसिकली इस शेप का होता है, यहाँ पे एक हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर होता है और एक जो है इस तरह से स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट चेन उसके बाद हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर होता है। तो है कैसा, ये जो स्ट्रेट चेन वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं CrRNA या क्रिस्पर आरएनए, एक्चुअल में क्रिस्पर आरएनए बोलते हैं। ये टारगेट साइट के लिए स्पेसिफिक होता है, यानी टारगेट साइट की कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जहां पे कट लगाना है जिस जगह पे कट लगाना है। जैसे हमने मोना के केस में देखा कि क्या सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया है, तो सिक्स पोजीशन को कोड करने वाले जीन के ठीक कॉम्प्लीमेंट्री इसको डिजाइन किया जाएगा, इस पोर्शन को ठीक उसके कॉम्प्लीमेंट्री डिजाइन किया जाएगा ताकि वहां पे जाके ये प्रॉपरली कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर सके, टारगेट साइट पे कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर सके। इस तरह से हम इसको डिजाइन करते हैं। अब अलग अलग बीमारी के लिए, जैसे मोना के केस में सिकल सेल एनीमिया है, तो हम सिकल सेल एनीमिया के पर्टिकुलर पोजीशन के लिए इसको डिजाइन करेंगे। अगर कोई और जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हम उसके हिसाब से डिजाइन करेंगे, यानी हर केस में इस CrRNA का सिक्वेंस चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू कि जो मिस इंटरप्रिटेड कोड है या जो मिस अलाइंड कोड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री हम बनाएंगे, ताकि ये वहां पे जाके कॉम्प्लीमेंट्री स्तर से बाइंड कर पाए, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर पाए और फिर उसके बाद इस पे कैच चले। तो ये CrRNA कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करता है टारगेट डीएनए साइट से, होस्ट के टारगेट डीएनए साइट पे जाके बाइंड करता है। अब ये जो पिन वाला स्ट्रक्चर है, ट्रेसर आरएनए वाला स्ट्रक्चर, वो क्या करता है? तो भाई ये इसका काम होता है कि ये जो मॉलिक्यूलर कैच, मैंने बोला ना शुरू में कि टीम वर्क होना है, जो दर्जी है और जो मेंटर है यानी गाइड है, वो दोनों मिलके काम करेंगे। तो मेंटर क्या करता है, मेंटर के पास जो है गाइड, एक गाइड सीक्वेंस है जिसको हम CrRNA सीक्वेंस बोल रहे हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है टारगेट साइट के। दूसरा, इस मेंटर के पास ही एक ऐसा हैंडल है, एक ऐसा हैंडल है जिससे वो क्या करता है, दर्जी को पकड़ के रखता है, दर्जी यानी जिसके पास कैस नाइन वाली कैची है। तो ट्रेसर आरएनए समझ सकते हो कि एक हैंडल है जो कि कैस नाइन को होल्ड करके रखता है, कैस नाइन को बाइंड करके रखता है, होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, ठीक। और इसके अलावा ये कैस नाइन के एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी को एक्टिवेट भी करता है। जब ये दोनों बाइंड हो जाते हैं तो उसके कैस नाइन एक्टिविटी को एक्टिवेट करने का काम भी किसका होता है, इस हैंडल का ही होता है, इस हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर का ही होता है। तो गाइड आरएनए हमारा बेसिकली क्या है, गाइड आरएनए को हम ऐसे डिनोट करते हैं GrRNA से, ठीक, GrRNA से डिनोट करते हैं। अब GrRNA के दो पार्ट हैं, दो पार्ट से मिलके बनाए, CrRNA प्लस ट्रेसर आरएनए। और हमने देखा कि CrRNA क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है टारगेट साइट के, तो ये टारगेट साइट पे बाइंड होता है। और ट्रेसर आरएनए का काम क्या है, ट्रेसर आरएनए का काम है होल्ड करना किसको, कैस नाइन को, और एक्टिवेट करना किसको, कैस नाइन को ही एक्टिवेट भी करने का काम ट्रेसर आरएनए का है। इतना बात समझ में आया। फिर उसके बाद क्या है, मोना को इतनी बात समझ में आ गई तो उसने बोला अच्छा मुझे समझ में आ गया कि गाइड आरएनए जो है वो गाइड आरएनए क्यों है, क्योंकि ये गाइड करता है, बताता है, जैसे टूरिस्ट गाइड होते हैं वो क्या करते हैं, बताते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में सारा कुछ बताते हैं, वैसे ही गाइड आरएनए भी है, ये भी बताएगा मेरे जीन के अंदर गड़बड़ी कहाँ है, कहाँ राइट स्पॉट है, कहाँ करेक्शन करना है। तो डॉक्टर स्मिथ बोले वेरी इंटेलिजेंट मोना, एग्जैक्टली यही काम करता है गाइड आरएनए। हम डिजाइन करते हैं नीड के अकॉर्डिंग कि कहाँ, जैसे तुम्हारे केस में कहाँ पे करेंगे, सिक्स पोजीशन वाले ग्लूटामिक एसिड को वापस से रिटेन करने के लिए, वैलिन को हटा के कि वापस से ग्लूटामिक एसिड वहां पे आ जाए, तो वैलिन को कट करने का काम कौन करेगा, वैलिन को कोट करने वाले डीएनए को कट करने का काम होगा कैस नाइन का, और कैस नाइन को ये काम करने के लिए गाइड कौन करेगा, गाइड आरएनए। ना बात समझ में आया, तो बोली मोना हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया।
मोना ने फिर पूछा कि भाई ये तो मुझे समझ में आएगा कि गाइड आर्यन ने जो है वो मेरे कैस नाइन को गाइड करेगा कि मेरे जीन में कहाँ पे कट करके और कैसे न्यू सीक्वेंस इंसर्ट करना है। तो बोले कि हाँ, तो फिर अब तो बोले लेकिन तुम ये गाइड आर्यन बनाओगे कैसे मेरे लिए? तो बोले कि हाँ ये बताता हूँ, बहुत इजी है, बहुत इजी नहीं है बट हाँ हमारे पास बहुत एक एक्सपर्टीज टीम है जो ये काम करती है। सबसे पहले वो क्या करेंगे, तुम्हारे बोन फॉर्मिंग सेल्स, बोन मैरो से बोन फॉर्मिंग ब्लड फॉर्मिंग सेल्स को निकालेंगे, तुम्हारे बोन मैरो सेल्स से ब्लड फॉर्मिंग सेल्स को निकालेंगे, वहां से वो क्या करेंगे डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, डीएनए एक्सट्रैक्ट करके हम ट्रेस करेंगे कि भाई जीन में गड़बड़ी कहाँ आ रही है, कहाँ पे जो है सिक्वेंस गड़बड़ है, फिर उस पर्टिकुलर जीन के कॉम्प्लीमेंट्री हम क्या करेंगे गाइड आरएनए को डिजाइन करेंगे। तो फिर गाइड आरएनए की बात होने लगी कि भाई कैसे है कैसे है? तो यही चीज बताई उन्होंने कि भाई टारगेट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे एक्सट्रैक्ट करने के बाद, तुम्हारा डीएनए बोन मैरो सेल से एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम टारगेट साइट को आइडेंटिफाई करेंगे। एक बार हमें एचबीबी जीन में टारगेट साइट मिल गया तो हम क्या करेंगे उसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री हम बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे जीआरआरएनए, ठीक सॉरी जीआरएनए यानी गाइड आरएनए बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मुझे मालूम है कि ये सीक्वेंस होना चाहिए एक्चुअल में सीटीसी, लेकिन है क्या सीएसी है, सीएसी है। तो मैं क्या करूँगी, मतलब जिसको भी गाइड आरएनए डिज़ाइन करना होगा वो क्या करेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट्री डिज़ाइन करेंगे सीआरआरएनए को, और उसके बाद उसके साथ होगा ट्रेसर आरएनए। तो जो पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो पार्ट कौन सा होगा, सीआरआरएनए वाला पार्ट होगा, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट बना देंगे जैसे जी यू जी, ठीक जी यू जी बना दिया। अब गाइड आरएनए में जो सीआरआरएनए का पोर्शन होगा उसके पास इस मिस्टेकन साइट के लिए, इस टारगेट साइट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पोर्शन डिजाइन किया जाएगा, उसके साथ जो है ट्रेसर आरएनए भी डिजाइन किया जाएगा। तो डिजाइन का एक अलग प्रोसेस होता है, प्रोटोकॉल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये गाइड आरएनए जो है बनाए जाते हैं। तो मोना को समझ में आया कि अच्छा तो ये बिल्कुल ऐसा होता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जो मेरा मिस्टेकन जीन है, जो गलत सीक्वेंस हो रखा है, जो गलत कोड है मेरे जीन में, उसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पजल के पीसेस होते हैं ताकि वो एग्जैक्टली जाके बाइंड हो पाए, वहां पे बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री जाके बाइंड हो पाए। डॉक्टर स्मिथ ने बोला बिल्कुल ये बिल्कुल पजल पीसेस की तरह है, वहां पे जाके कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर जाएंगे। तो फिर मोना ने बोला अच्छा तो अब अगर गाइड आरएनए आप इस तरह से डिजाइन कर दोगे तो कैस नाइन उस मिस्टेकन साइट को फाइंड कर लेगा और फिर जो भी मेरे डीएनए में प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर देगा। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल ये ऐसा ही होता है। तो उन्होंने बोला मोना ने कि भाई आप तो मेरे लिए कैस नाइन डिजाइन कर लोगे, आप मेरे लिए गाइड आरएनए डिजाइन कर लोगे, लेकिन ये मेरी बॉडी में जाएगा कैसे? तो बोले कि यही तो मेन पार्ट है, यही तो क्रूशियल पार्ट है कि ये आपकी बॉडी में डिलीवर कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं इसको डिलीवर करने के लिए, हमने जो कैस नाइन डिजाइन किया है उसको लेते हैं, जो हमने गाइड आरएनए डिजाइन किया है उसको लेते हैं, प्लस हम एक साथ में एक रिपेयर टेम्पलेट भेजते हैं जिसके बेसिस पे आपके बॉडी में जो नेचुरल डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है उस रिपेयर टेम्पलेट को अडेप्ट करते हैं और उसके बेसिस पे करेक्ट सीक्वेंस को जो है वहां पे लगाते हैं। इसकी बात में होगी पर अभी डिलीवर कैसा होता है, डिलीवरी कैसी होती है ये देखते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम क्या करते हैं, जो भी कुछ हमने डिजाइन किया है कैस नाइन गाइड आरएनए और रिपेयर टेम्पलेट तीनों को एक साथ लेते हैं, और जैसे क्या होता है कि हम कभी कुछ ऑर्डर करते हैं किसी कंपनी से तो वो ऑर्डर हमारे घर तक डिलीवर होने के लिए सबसे पहले एक पैकिंग बॉक्स में आता है, पैकिंग बॉक्स के बाद फिर वो ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट के लिए किसी व्हीकल में जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह क्या होता है कि कैस नाइन गाइड आरएनए एक पैकेजिंग कंपोनेंट में पैक होते हैं, इट्स लाइक
कैस9 और गाइड आरएनए इंडिविजुअली और रिपेयर टेम्पलेट जो होता है वो किसी प्लाज्मिड में पैक किया जाता है, किसी प्लाज्मिड में पैक किया जाता है। उसके बाद उस प्लाज्मिड को, कैस9 को, गाइड आरएनए को किसी वायरल वेक्टर में, वायरल वेक्टर के अंदर इंसर्ट करके डिलीवर किया जाता है। तो यहाँ पे वेहिकल जो है वो वेहिकल बिल्कुल वैसा है जैसे वायरल वेक्टर है। तो वायरल वेक्टर बिल्कुल वैसा है जैसे वेहिकल है। वायरल वेक्टर का काम क्या होता है? डिलीवर करना जीन को, कैस9 को, गाइड आरएनए को एक सही जगह पे डिलीवर करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये काम किसका होता है? वायरल वेक्टर का। तो मोना ने पूछा कि ये वायरल वेक्टर्स क्या हार्मफुल नहीं होते हमारे पास, क्योंकि मैंने तो सुना है वायरसेस जो होते हैं हार्मफुल होते हैं। तो बोलते हैं बिल्कुल नहीं, हम यूज करते हैं हार्मलेस वायरसेस को, और उसके अलावा भी हम इन वायरसेस को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं ताकि वो हमारे लिए किसी भी तरह से पैथोजेनिक ना हो। तो उन्होंने, उसने पूछा ऐसे कौन से वायरस हैं, ऐसे कौन से वायरस हैं जिनके अंदर हम ये कैस9 और जीआरएनए और टेम्पलेट रिपेयर जो है उसको इंसर्ट करके भेज दे रहे हैं। तो बोला ऐसे मटेरियल्स हैं एडिनो वायरस, ऐसे वेक्टर्स हैं एडिनो वायरस, एडिनो एसोसिएटेड वायरस, रेट्रो वायरस और लेंटी वायरस। ये बेसिकली वायरसेस में ये वेहिकल क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये सेल्स के साथ इनका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, बहुत सारे एनवेलप वायरसेस होते हैं, इन एनवेलप वायरसेस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो इजीली ह्यूमन सेल के रिसेप्टर से बाइंड करके फ्यूज हो जाता है, बिल्कुल इस तरह से फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होके जीन को अंदर डिलीवर कर पाता है। तो ये डिलीवरी मैकेनिज्म ज़्यादा एफिशिएंट होता है और इजीली डिलीवर हो जाता है, इसलिए हम हमेशा जीन को डिलीवर करने के लिए जो वेहिकल यूज़ करते हैं वो क्या होता है? वायरल वेक्टर्स होते हैं। वायरल वेक्टर इजीली ह्यूमन सेल के अंदर क्या करते हैं? जीन डिलीवर कर पाते हैं टारगेटेड साइट पे। तो बोली भाई ये तो बहुत सही है, मतलब वायरल वेक्टर बिल्कुल किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह काम करते हैं, बिल्कुल ऐसे एक ट्रक की तरह काम कर रहे हैं कि ले जाके और सही जगह पे सामान जो है वो डिलीवर कर दे रहे हैं। बोले हाँ, और ऐसे ही आप तुम्हारा जो कैस9 और गाइड आरएनए डिजाइन किया गया है वो तुम्हारे सेल्स तक डिलीवर होंगे। तो उन्होंने बोला कि पर ये डिलीवर कहाँ किए जाएंगे? तो उन्होंने बोला डिलीवर ये किए जाएंगे, तुम्हारा ब्लड कहाँ बनता है? तुम्हारे बोन मैरो सेल्स में। बोन मैरो सेल्स में ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, उनमें आपका ब्लड बन रहा है। तो हमारे लिए टारगेट साइट क्या होगा? तुम्हारे कैस9 और गाइड आरएनए को डिलीवर करने का काम हम कहाँ पे करेंगे? उन्हीं ब्लड फॉर्मिंग सेल्स में, बोन मैरो के अंदर ब्लड फॉर्मिंग सेल्स में हम इनको डिलीवर करेंगे। तो बोली हाँ हाँ, ये बात तो समझ में आ गया मुझे कि जो सेल्स ब्लड बनाएंगी उनके अंदर ही हम क्या करेंगे, इन कैस9 को, गाइड आरएनए को और जो टैम्पलेट, रिपेयर टैम्पलेट है उसको डिलीवर करेंगे वायरस वेक्टर के थ्रू। तो बोले बिल्कुल सही, ऐसे ही करना होता है और ये स्टेप बहुत इजी होता, बहुत इजी होता है, बिल्कुल उस तरह से ही होता है जैसे तुम ड्रिप चढ़ाते हो, ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाते हो, उस तरह से ही ये ब्लड स्ट्रीम इन्फ्यूजन के थ्रू आपकी बॉडी में जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान सा प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़े कट पेट और ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तो बोली ये तो बहुत बढ़िया है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, एक बार अगर कैस9 और टेम्पलेट आरएनए, कैस9, तो वो बोली अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, मतलब एक बार अगर मेरे बोन मैरो के ब्लड फॉर्मिंग सेल्स के अंदर ये जो वायरल वेक्टर्स हैं कैस9 और जीआरएनए और टेम्पलेट रिपेयर को अगर भेज देते हैं तो म्यूटेशन फिक्स हो जाएगा, जो एरर है वो फिक्स हो जाएगा। तो उन्होंने बोला बिल्कुल, एरर फिक्स हो जाएगा क्योंकि कैस9 जो है वो सही जगह कट लगाएगा और कट लगाने के बाद जो हमने आपके लिए टेम्पलेट रिपेयर भेजा है वो करेक्ट वर्जन ऑफ जीन को इंसर्ट कर देगा। तो बोली वाओ, दैट्स अमेजिंग, लेकिन मैं थोड़ा और जानना चाहती हूँ, अगर मेरे बोन मैरो के अंदर कैस9 चला गया और कैस9 ने डीएनए से एरर हटा दिया, ये सारा पार्ट तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन करेक्ट डीएनए मेरे सेल में बनेगा कैसे, ये मुझे कोई बता दे कि
ये जो डीएनए करेक्ट होगा वो कैसे होगा? Cas9 का मुझे समझ में आ रहा है कि ये गलत वाले को काट के हटा देगा, कैची है इसके पास, ये काट के हटा देगा, लेकिन सही वाला आएगा कैसे? तो बोले कि रुको, पहले तुम पूरा प्रोसेस समझो कि Cas9 जो है वो कैसे कट करेगा, कैसे हटाएगा। तो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि Cas9 जो है वो कैची है, यानी दर्जी है या टेलर है, जिसका एक मेंटर है, गाइड है। वो क्या है? गाइड आरएनए। तो गाइड आरएनए जो है वो मैप बताता है कि भाई कहाँ जाके अटैच होना है क्या। लेकिन इस गाइड आरएनए को भी कोई गाइड करता है, वो करता है पैम। पैम, अब उसने बोला कि भाई ये पैम क्या होता है? पैम आप बोल दिए। तो बोले पैम होते हैं प्रोटो स्पेशल एडजस्टमेंट मोटिव। इनको बोलते हैं प्रोटो स्पेशल एडजस्टमेंट मोटिव। तो उन्होंने बोला कि जो कॉम्प्लीमेंट्री सीआरआरएनए मैंने बनाया है आपके जीआरएनए में, कॉम्प्लीमेंट्री जो पोर्शन बनाई है मैंने, हो सकता है वो सेम कॉम्प्लीमेंट्री पोर्शंस आपके जीन में और भी जगह पे प्रेजेंट हो, और भी जगह पे प्रेजेंट हो। तो वो कहीं भी जाके बाइंड कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो कहीं भी जाके बाइंड कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस तो डीएनए में और भी होंगे, तो कहीं भी जाके बाइंड कर सकते हैं सीआरआरएनए। तो गाइड आरएनए का सीआरआरएनए पोर्शन है तो कॉम्प्लीमेंट्री टारगेट साइट के, लेकिन ऐसे सीक्वेंस और भी जगह मिल सकते हैं, तो ये कहीं भी जाके बाइंड हो सकता है, कहीं भी कट कर सकता है। तो सही जगह कैसे मिलेगा? तो सही जगह इसको गाइड करने के लिए, सीआरआरएनए को सही जगह गाइड करने के लिए होते हैं पैम सीक्वेंस। ये पैम सीक्वेंस हम देखते हैं कि टारगेट के आसपास ही कोई एक ऐसा सीक्वेंस ढूंढते हैं, उसको हम बोलते हैं पैम सीक्वेंस। ये पैम सीक्वेंस अगेन गाइड करते हैं सीआरआरएनए को कि ये वाला जो सीक्वेंस है, ये वाला करेक्ट टारगेट स्पेसिफिक साइट है, यहीं पे आके जुड़ना है। पैम सीक्वेंस बेसिकली 2 से 6 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं, 2 से 6 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, और इनका सीक्वेंस लगभग होता है सिलेक्ट एनजीजी। एनजीजी मतलब ये आपके जी और जी रेसिड्यूज होते हैं, जबकि एन कोई भी रेसिड्यू हो सकता है, ए टी सी जी कोई भी रेसिड्यू हो सकता है। एन मतलब कोई भी न्यूक्लियोटाइड, ए टी सी जी कुछ भी हो, लेकिन जी और जी का प्लेस जो है वो बना रहेगा। तो ये 2 से 6 न्यूक्लियोटाइड के लंबे होते हैं, शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं, इनको हम बोलते हैं पैम साइट। ये बिल्कुल नियर बाई होते हैं, मतलब जो टारगेट साइट होता है उसके नियर बाई ही होते हैं, आसपास ही होते हैं, इनको हम बोलते हैं पैम साइट। पूरा नाम क्या है? प्रोटो स्पेशल एडजेसेंट मोटिव। ठीक, तो प्रोटो स्पेशल एडजेसेंट मोटिव का काम क्या होता है, ये पता बताते हैं, टैग लगा देते हैं, झंडा लगा देते हैं, जिससे पता चलता है कि भाई ये यहीं पे रहते हैं, है ना। ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे आपने अपना नोटबुक कभी किसी को दे दिया होगा स्कूल में, ठीक, आप जानते हो। सपोज आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके क्लास में एक सचिन नाम का बच्चा है और एक मानव नाम का बच्चा है, ठीक। तो एक मानव है, एक सचिन है, और दोनों, आपको पता है कि दोनों आमने सामने रहते हैं, दोनों का घर जो है आजू बाजू है, बिल्कुल सामने सामने है, और आप हो यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी हो। तो आपसे सचिन ने नोटबुक्स ली, आपसे सचिन ने नोटबुक ली, और नोटबुक लेने के बाद वो स्कूल जो है आना बंद कर दिया 1-2 हफ्ते के लिए, और अब आपका क्या हो रहा है, रोज रोज का बहुत सारा नोट्स जो है वो ड्यू हो रहा है। अब आपको पता नहीं है कि सचिन का घर कहाँ है, ठीक, कहाँ जाओगे आप सचिन से उस अपना नोटबुक लेने, लेकिन आपको पता है कि मेरे क्लास का ही मानव जो है वो उसके घर के पास में रहता है, मानव जो है वो उसके घर के पास में रहता है। तो आप क्या करोगे, मानव से बोलोगे कि तुम मुझे अपने घर के पास ले चलो, मैं सचिन से नोटबुक लूंगा, है ना, या नोटबुक लूंगी। तो अब क्या होगा, आप मानव के पास गए, तो मानव इज लाइक क्या, मानव इज लाइक पैम साइट, मानव इज लाइक पैम साइट, जो आपको बता रहा है कि सचिन का घर कहाँ है। सचिन मतलब टारगेट साइट, टारगेट साइट। और ये आप कौन से, आप क्या हो, आप हो सी आर आर एन ए, जो कि एक पोर्शन है गाइड आर एन ए का। तो आप क्या हो, सी आर आर एन ए हो, जो कि एक पोर्शन है गाइड आर एन ए का।
तो आपको पता कौन बता रहा है? मानव बता रहा है। मानव मतलब पैम साइट बता रहा है कि टारगेट साइट कहाँ है, मेरे घर के सामने, मेरे घर के पास। तो CRRNA पैम साइट्स की हेल्प से ही टारगेट साइट्स को आइडेंटिफाई कर पाता है। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद उन बोला कि अच्छा पैम साइट बताता है, तो बोले हाँ पैम साइट ही बताता है कि कहाँ जाके दर्जी और उसके मेंटर को अटैच होना है, कहाँ जाके बाइंड करना है। और अगर तुम्हारे जीन में कहीं कोई पैम साइट रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में कहीं कोई कट नहीं लगेगा, कोई स्पेसिफिक कट नहीं लगेगा, मतलब कहीं भी जाके कट लग सकता है, स्पेसिफिसिटी इंश्योर नहीं होती है ऐसे केस में। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अगर अगर पैम सीक्वेंस आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं ऐसी केस में क्या होगा? ऐसे केस में Cas9 को सही जगह सही बाइंडिंग साइट नहीं मिलेगी और हो सकता है कि वो सही टारगेट साइट पे कट नहीं करे, कहीं भी इधर उधर कट कर जाए। यानी तब ऐसे केस में अगर पैम साइट जो है नहीं रिकॉग्नाइज हो रहा है, ऐसे केस में कहीं भी जाके कट हो जाएगा, स्पेसिफिसिटी नहीं रह जाएगी ट्रीटमेंट की। क्रिस्पर क्या है? एक टारगेट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोसेस है, टारगेट स्पेसिफिक टारगेट पे जाके क्लीव ऑफ कर रहा है। लेकिन यही ये स्पेसिफिसिटी मेंटेन किसकी वजह से हो रही है? पैम साइट की वजह से। यानी अगर पैम साइट नहीं है तो हो सकता है कि Cas9 और GRNA का ये जो टीम है वो कहीं भी जाके बाइंड करके कट कर दे, कहीं भी जाके जहां भी क्रिस्पर आरएनए को उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल जाए वहीं जाके कट कर दे, अगर पैम साइट नहीं है तो। तो पैम साइट का होना इम्पॉर्टेंट है। अगर पैम साइट है तो स्पेसिफिसिटी है, पैम साइट नहीं है तो स्पेसिफिसिटी नहीं है। पैम साइट है तो ये आपका जो Cas9 और GRNA का टीम है ये आके सही जगह बाइंड करेगा, और एक बार ये सही जगह बाइंड कर गया तो करेक्ट DNA की एडिटिंग होगी, अदरवाइज जो है एडिटिंग कहीं भी हो सकती है, उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। तो पैम साइट काफी जरूरी है। पैम साइट इज लाइक सिग्नल कि ये रहा मेरा घर, ये रहा मेरा घर। तो मानव पैम साइट इज लाइक मानव जो सचिन के घर का एड्रेस बता रहा है। सचिन इज क्या? टारगेट साइट, ठीक। और आप क्या हो? जिसने आपने नोट्स दिया है, जिसको पता करना है कि सचिन से नोट्स लेना है, आपको जाना है टारगेट साइट पे। तो आप क्या हो? आप क्रिस्पर आरएनए हो जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, जो टारगेट साइट पे जाके बाइंड होना चाहता है, लेकिन उसको टारगेट साइट पता नहीं है। उसको टारगेट साइट बताएगा कौन? पैम बताएगा, ठीक। पैम बताएगा कि यहाँ पे है ये टारगेट साइट, तुम आओ और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ पे बाइंड करो। तो अगेन ये गाइड आरएनए का भी गाइड है। पैम साइट क्या है? गाइड आरएनए का भी गाइड है, ठीक। तो मोना ने बोला कि भाई सही है, तो मतलब पैम साइट सिग्नल की तरह काम करेगा और बताएगा कि Cas9 और जो गाइड आरएनए की टीम है उसको एक्चुअली में जाना कहाँ है, काम कहाँ करना है। तो बोले बिल्कुल ऐसा ही है। तो गाइड आरएनए बता रहा है किसको काटना है, ठीक। पैम आरएनए क्या बता रहा है? जिसको काटना है वो है कहाँ, टारगेट साइट है कहाँ, ठीक। गाइड आरएनए को पता है कि उसे टारगेट साइट को काटना है, लेकिन टारगेट साइट कहाँ है वो कौन बता रहा है? पैम बता रहा है, ठीक। काटेगा कौन? Cas9 काटेगा। काटेगा कौन? Cas9। किसको काटेगा वो गाइड आरएनए बताएगा, लेकिन गाइड आरएनए को ये कौन बताएगा कि जिसको काटना है वो रहता है कहाँ? वो रहता है जहां भी वो बताएगा पैम, ठीक। तो ये सारा जो ऐसा डायग्राम करके उन्होंने बताया, डायग्राम करके बताया कि भाई देखो ये Cas9 है, ये आपके क्रिस्पर और ट्रेसर आरएनए से मिलके बना हुआ क्या है? GRNA है। और ये GRNA का जो पोर्शन है ये सही जगह पे बाइंड किसके होता है? पैम साइट के हेल्प से बाइंड होता है। जहां उसे पैम साइट मिल जाते हैं वो तुरंत जान जाता है कि मुझे इधर ही बाइंड होना है। तो उसने बोला कि ये सब तो मुझे समझ में आ गया कि Cas9 क्या है, पैम साइट क्या है, CRRNA क्या है, ट्रेसर आरएनए क्या है, ये सब मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये HNH और RUVC क्या लिखा हुआ है? तो उन बोला कि HNH RUVC, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, तो मैं रुको बताता हूँ। HNH क्या है? HNH
एक्चुअल में नाम जैसे लिखा है HNH, तो ये तीन अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज है, तीन अमाइनो एसिड, लेकिन उसमें से एक अमाइनो एसिड रिपीट पे है, हिस्टिडीन। तो हिस्टिडीन, एस्पार्जिन और हिस्टिडीन, ये तीन डोमेन से मिलके बना हुआ एक न्यूक्लियस है। हिस्टिडीन, एस्पार्जिन और हिस्टिडीन से मिलके बना हुआ एक न्यूक्लियस एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है कैस नाइन में। तो कैस नाइन में दो न्यूक्लियस डोमेन है, कैस नाइन दो न्यूक्लियस डोमेन से मिलके बना है, एक का नाम है HNH डोमेन और एक का नाम है RUVC डोमेन। तो दो डोमेन से मिलके बना है HNH डोमेन, हिस्टिडीन आर्जिनिन हिस्टिडीन से मिलके बनाओ। अब काम क्या है ये बता दें, तो काम उन्होंने बताया कि HNH वाला जो न्यूक्लियस डोमेन होता है कैस नाइन का, कैची का एक शिरा, वो एक स्ट्रैंड से जुड़ता है, किस स्ट्रैंड से जुड़ता है, जिससे आपका गाइड आरएनए जुड़ा होता है। तो HNH वाला न्यूक्लियस एक्टिविटी किसके लिए दिखाता है, HNH वाला न्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाएगा उस पोर्शन के लिए जिससे आपका गाइड आरएनए जुड़ा हुआ है। तो देखो जिससे गाइड आरएनए जुड़ा हुआ है उसी पे HNH वाला न्यूक्लियस एक्टिविटी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, गाइड आरएनए से जुड़े हुए स्ट्रैंड के लिए क्या है, ये न्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है, और उसके ऑपोजिट स्ट्रैंड पे न्यूक्लियस एक्टिविटी कौन शो करेगा, RUVC। तो आप देख रहे हो कि दोनों ही स्ट्रैंड पे कट हो रहे हैं, एक पे HNH कर रहा है, दूसरे पे RUVC कर रहा है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड कट हो रहा है, डबल स्ट्रैंडेड कटिंग हो रही है, ऊपर भी कटिंग हो रही है नीचे भी कटिंग हो रही है। ऊपर जो कटिंग हो रही है यानी जिससे गाइड आरएनए जुड़ा है, जिस पोर्शन से गाइड आरएनए जुड़ा है, CRRNA जुड़ा है, उस स्ट्रैंड को कौन कट कर रहा है, उस स्ट्रैंड को HNH कट कर रहा है, और उसके ऑपोजिट वाले स्ट्रैंड पे जिसपे गाइड आरएनए नहीं अटैच है उसको कौन कट कर रहा है, RUVC कट कर रहा है। तो बोले अच्छा अच्छा मुझे समझ में आ गया अब कि HNH और RUVC क्या है। ये बिल्कुल उस तरह से जैसे दो अलग अलग कैचियां, किसी दर्जी के दोनों हाथ में दो कैचियां हो, एक तरफ से वो एक सिलाई काट रहा है दूसरी तरफ से वो दूसरी सिलाई काट रहा है। तो वो बोले हाँ बिल्कुल, ये एक कैस नाइन जो है वो एक ऐसा टेलर है जिसके पास दो कैचियां हैं, एक से वो ऊपर वाले स्ट्रैंड को कट कर रहा है, एक से वो नीचे वाले स्ट्रैंड से कट कर रहा है। HNH वाली कैची से वो किसको कट कर रहा है, जिसपे CRRNA जुड़ा है, गाइड RNA जुड़ा है, और उसके ऑपोजिट वाले को कौन कट कर रहा है, RUVC वाला न्यूक्लियस कट कर रहा है। तो बोले हाँ ये समझ में आ गया मुझे कि ये कटिंग हो कैसे रही है, कैस नाइन के अंदर जाके पैम साइट पहले रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पैम साइट बता रहे हैं कि टारगेट साइट कहाँ है, वहां CRRNA कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड हो जा रहा है, उसके बाद कैस नाइन के पास दो कैचियां हैं यानी टेलर के पास दो कैचियां हैं, गाइड ने उसे बता दिया कहाँ चलाना है, गाइड ने बताया HNH को कि HNH वाली कैची चलेगी जहां पे CRRNA जुड़ा है जिस स्टैंड पे, और RUVC वाली कैची चलेगी ठीक उसके ऑपोजिट स्टैंड पे। बोले हाँ ऐसा समझ में आ गया। तो फिर स्मिथ कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि अब कैची तो चल गई, अब क्या होता है कि वायरल वेक्टर के साथ ही हमने आपको क्या दिया था, एक रिपेयर टेम्पलेट आपके बोन मैरो सेल्स में इंसर्ट कराना है हमें। तो उन्होंने बोला कि भाई जो वायरल वेक्टर था उसने आपको कैस नाइन और गाइड आरएनए के साथ साथ एक रिपेयर टेम्पलेट भी आपके बोन मैरो सेल्स में इंट्रोड्यूस करेगा। तो वो रिपेयर टेम्पलेट करता क्या है, रिपेयर टेम्पलेट जो होता है वो किसी प्लाज्मिड के अंदर हम क्लोज करके पैक करके भेजते हैं, 2 से 3 KB का रीजन होता है टारगेट सीक्वेंस का। अगर हमें इंसर्ट करना होता है तो हम रिपेयर टेम्पलेट नॉक इन उसी के हिसाब से भेजते हैं, उसी के पर्टिकुलर डिजाइन में भेजते हैं ताकि वो वहां जाके रिपेयर टेम्पलेट के लिए हेल्प कर सके। जो नेचुरल रिपेयर सिस्टम है DNA का वो उसको यूटिलाइज कर लेगा एज अ रिपेयर टेम्पलेट और उसको ट्रीट करेगा। तो आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि दो तरह के रिपेयर सिस्टम होते हैं, एक होता है होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर और एक होता है, हाँ तो आपने पढ़ा होगा कि DNA रिपेयर जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है
होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर जो कि बिल्कुल एरर फ्री होता है, एरर फ्री होता है, मिनिमम एरर होते हैं होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर मेथड्स में. एक होता है नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग मेथड जिसमें एरर के चांसेस होते हैं, एरर के कुछ चांसेस होते हैं. तो दो तरह के मैकेनिज्म है, नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म जिनको बोन मैरो की सेल्स जो हैं वो यूज करेंगी. आफ्टर एक बार जो कैसनाइन ने कट कर दिया तो उसके बाद ये दो डीएनए रिपेयर मैथड्स हैं नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म के जो कि यूज होंगे टू फिक्स जो भी कटिंग हुई है, जो भी जो मिस हो गए स्ट्रैंड से, जो भी कोड मिस हुए हैं उनको वापस से इंसर्ट करने के लिए. और उसमें हेल्प कौन करेगा, इसमें रिपेयर टेम्पलेट जो हमने दिया है वो हेल्प करेगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बनाने में. तो इस तरह से जो है अब अगर इस तरह का ट्रीटमेंट हो गया तो उन्होंने बताया कि मोना हो सकता है कि अगर ये ट्रीटमेंट सही गया तो तुम्हारी बॉडी जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने लगेगी और तुम सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम्स से जो है आजाद हो जाओगे और अच्छा खासा जो है लाइफ स्पेंड कर पाओगे. तो फिर से एक बार देखते हैं क्या होता है. टारगेट डीएनए होता है, हम उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या डिजाइन करते हैं, गाइड आरएनए डिजाइन करते हैं. गाइड आरएनए में ये वाला जो पोर्शन होता है, गाइड आरएनए डिजाइन करते हैं ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेसर आरएनए, ट्रेसर आरएनए. और ये जो स्ट्रेट वाला पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सीआर आरएनए, है ना, या क्रिस्पर आरएनए बोलते हैं. तो दो गाइड आरएनए दो चीजों से मिलके बना होता है, सीआर आरएनए और ट्रेसर आरएनए. सीआर आरएनए क्या होता है, टारगेट साइट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, टारगेट साइट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है यानी टारगेट साइट पे जाके बाइंड कर सकता है. ट्रेसर आरएनए क्या है, इट्स लाइक हैंडल, तो ये होल्ड करता है, होल्ड हैंडल का काम क्या होता है, हैंडल को हम पकड़ते हैं. तो ट्रेसर आरएनए का भी काम क्या है, होल्ड करना और पकड़ना. तो ये किसको पकड़ता है भाई, ये पकड़ता है अपने मेंटर को, अपनी कैची को, गाइड को, सॉरी गाइड आरएनए तो ये खुद है. तो ये किसको पकड़ता है, ये पकड़ता है दर्जी को जिसके हाथ में दो कैचियां हैं. तो ये कैसनाइन को पकड़ता है, कैसनाइन के पास फर्दर दो कैचियां हैं एच यू वी एच एन एच और आर यू वी सी, दो कैचियां हैं कैसनाइन के पास. ठीक, तो सी आर आर एन ए का काम है कॉम्प्लीमेंट्री टारगेट साइट पे जाके बाइंड कर जाना और ट्रेसर आर एन ए का काम क्या है कि इस कैसनाइन को होल्ड करना, पकड़ के रखना. तो दोनों टीम बनाते हैं साथ में, टेलर जो कि क्या है गाइड आर एन ए, टेलर जो कि क्या है दर्जी जिसके पास दो कैची है कैसनाइन, और गाइड आर एन ए जो कि क्या है मेंटर है. तो दोनों मिलके एक टीम बनाते हैं, किसकी हेल्प से ये टीम बन जाती है, टी आर आर एन ए ट्रेसर आर एन ए वाले पोर्शन की वजह से. ट्रेसर आर एन ए का काम क्या होता है, कैसनाइन को होल्ड करना और कैसनाइन को एक्टिवेट करना. इतना हुआ, एक बार सी आर आर एन ए यहाँ पे अटैच हो गया तो अटैच भी किसकी हेल्प से होता है, पैमसाइट की हेल्प से होता है. तो पैमसाइट जब मिल जाएगा, पैमसाइट ही पता बताएगा कि टारगेट साइट है कहाँ. तो टारगेट साइट जहां पे होता है वहां जाके सी आर आर एन ए बाइंड हो जाता है. पैम साइट क्या करता है, पता बताता है कि टारगेट साइट मेरे आजू बाजू में रहता है, टारगेट साइट मेरे आजू बाजू में रहता है. अब एक बार जो सी आर आर एन ए जुड़ गया तो सी आर आर एन ए जिस पोर्शन से जुड़ा है उस पोर्शन को कट करेगा एच एन एच डोमेन, कैस नाइन का एच एन एच डोमेन, और ऑपोजिट को कट करेगा आर यू वी सी डोमेन. ठीक, तो ये दोनों समझ में आ गया. अब ये दोनों कट कर रहे हैं तो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक बन गया, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक बन गया. अब हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में दो रिपेयर मैकेनिज्म है, नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग और होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर, दो है. एक को मैंने बोला कि ये एरर फ्री है, एरर फ्री मतलब मिनिमम एरर होते हैं, लीस्ट एरर होते हैं, ये होता है एरर प्रोन. ठीक, ये मैकेनिज्म होता है एरर प्रोन, तो इससे एरर के चांसेस होते हैं. तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, डोनर टेम्पलेट भी हम वायरल वेक्टर की हेल्प से इंसर्ट किए होते हैं. तो डोनर टेम्पलेट का काम क्या होता है कि वो जाके यहाँ पे डोनर टेम्पलेट अटैच हो जाएगा. अब एचडीआर या एनएचईजे जो भी होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या करेगा, बेस पेयर्स को ऐड करेगा. सिमिलरली इस तरह से ये जो है आपके करेक्ट नॉकिंस हो जाते हैं. करेक्ट नॉकिंस होने के बाद मतलब प्रिसाइज जो मॉडिफिकेशन हमको करना होता है हो जाता है, और इस तरह से जो है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है,
या मैं बोलूं क्रिस्पर बोलना गलत होगा, मोर स्पेसिफिकली इसको हम बोलते हैं कैस9 टेक्नोलॉजी का यूज करना कि किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, डिसऑर्डर्स के, डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जो है ये छोटा सा लेसन जो था वो खत्म होता है। और अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस ला सकूं देखने के लिए। थैंक यू।